देखिए सीएससी की तरफ से पीबीसी कार्ड भेज दिए गए हैं। हमारे जो सीएससी आईडी है हम आपको चेक करके बता रहे हैं, आप भी चेक कर लीजिए। पहले आपको देख लीजिए कि किस तरह से हमने चेक किया है। हमने यहाँ पर डाला pmjy.cscloud, ये आपको आता होगा लेकिन फिर भी एक बार और बता रहे हैं उन लोगों के लिए जो उनको नहीं आता। इसके बाद में सेलेस, फिर इसके बाद में डालेंगे हम pmjaycard, उसके बाद में फिर सेलेस और फिर लगाएंगे इंडेक्स इस तरह से .php, यहाँ पर ये लिखेंगे और इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करना है आपको VLE CSE Connect से। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे जो PBC कार्ड है वो आगे देखिए आपको स्टेटस दिखा रहे हैं। इस तरह से हमने इसको लॉगिन कर लिया, अपना ID पासवर्ड डाला CSE का और इस तरह से हमने लॉगिन किया। अब ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कार्ड रिसीव 0 और कार्ड डिलीवर 0। तो देखिए यहाँ पर क्यों बता रहा है, अभी यहाँ पर देखिए चेक डिस्पैच स्टेटस, हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर लिखा चेक डिस्पैच और यहाँ पर देखिए यहाँ पर डकेट नंबर दिख रहा है तो हमने इसको फिलहाल छुपा के रखा है। और यहाँ पर देखिए कोरियर टाइप स्पीच पोस्ट और यहाँ पर डकेट डेट, तो यहाँ पर 25 जून को यहाँ से भेजा गया है। आप यहाँ से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, हमने ट्रैक कर लिया है। हमारे पोस्ट ऑफिस में, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में वहाँ से आ गए हैं और उन्होंने कॉल भी किया था तो एक बंडल का बंडल आया है। यहाँ से अगर हम रिसीव पे क्लिक कर देंगे तो कहने का मतलब ये हो जाएगा रिसीव हो जाएगा, फिर उन और डिटेल देनी पड़ेगी। हम आपको कल अपडेट देंगे इसके बारे में, कल पक्का वीडियो आ जाएगा आपको शाम तक कि उसमें कैसे हमने रिसीव किया, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे डिलीवर करने होंगे, ये सारी चीज़ आपको कल तक पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आप भी चेक कर लीजिए कि आपका क्या स्टेटस है, कहाँ आ गया है। हमारे तो पोस्ट ऑफिस तक आ गए हैं, पोस्ट ऑफिस वाले ने हमें खुद फोन लगा के आज बताया था इसके बारे में। तो कल हम आपको वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बता देंगे कि आखिर आने के बाद में क्या रिसीव किया, कैस किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भेज दीजिए उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में पता ना हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।